सिद्धार्थनगर में नियमित तौर से वेतन न मिलने से नाराज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। 11 जुलाई को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन में इन शिक्षक शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी मांगों का पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया। राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन में दर्जनों की संख्या में प्रधानाचार्य शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने शिरकत की। धरना प्रदर्शन के बारे में बताते हुए संघ के जिलाध्यक्ष बाल गोविंद मौर्य ने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कार्यरत लोग अपनी शिक्षण व इससे संबंधी अन्य कार्यों को पूरी मुस्तैदी के साथ करते हैं, लेकिन इन लोगों को नियमित भुगतान नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। वेतन न मिलने से उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो बहुत सारे लोग अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। उन्होंने सरकार से उन लोगों का भुगतान तत्काल करने की मांग की है। जी, हमारा नाम बाल गोविंद मौर्य है और मैं राजकीय शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा पूरा मामला ये है कि राजकीय विद्यालय जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो विद्यालय आते हैं, 5 महीने के आसपास हो गया इन लोगों को वेतन नहीं मिला है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से यहाँ का जो है बजट आता है और हम लोगों का वेतन नियमित मिलता भी नहीं है। साल में 3-4 बार ही बजट ऐसे आता है, 3-4 महीने पे, जिससे हम शिक्षक पूरी तरीके से पीड़ित हो गए हैं। 4 महीने से हमको वेतन नहीं मिला है। इसी संदर्भ में हम लोग डीआईओ सर को आज ज्ञापन दिए हैं और विद्यालय पे तालाबंदी करके अपनी उपस्थिति डीआईओ कार्यालय में हम लोग दर्ज करवाए हैं। अगर हम लोगों का वेतन नियमित नहीं हुआ तो हम लोग विद्यालय बंद करके यहीं पे अपनी उपस्थिति हम लोग दर्ज करवाएंगे। सर, आपके कैंपस में धरना प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन की वजह क्या है? जैसे हमारे यहाँ कुछ राजकीय विद्यालयों में आरएमएसए के अंतर्गत नियुक्ति हुई है, इनका बजट जो है प्लान के अंतर्गत आता है। और हमारे 3 विद्यालय हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तितरी बाजार, डुमरियागंज और बांसी, ये नॉन प्लान के अंतर्गत हैं। तो प्लान के अंतर्गत आते हैं तो इसलिए गवर्नमेंट से इनकी ग्रांट जो है एक साथ रिलीज होती है, इसलिए इन लोगों को वेतन में दिक्कत हो रही है। इस पर गवर्नमेंट के विचार कर रही है कि इन लोग विद्यालयों को भी नॉन प्लान में कर दिया जाए। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।